हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था तो सोचा आज चलो करियर से रिलेटेड वीडियो बना देती हूँ। नर्सिंग फील्ड से हूँ तो लोगों को थोड़ा बहुत नर्सिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि लाइक अगर आप 12th पास हुई हो तो आप JNM या फिर ANM या फिर BSc नर्सिंग में क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करो कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या कर लिया। और यही सब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ। आफ्टर 12th हमें इतना पता नहीं रहता कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, तो मैं यही बता रही हूँ कि JNM और BSc नर्सिंग में क्या डिफरेंस है। आपको JNM करना चाहिए या BSc नर्सिंग करना चाहिए, कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किस चीज़ के लिए कौन सा। जो JNM रहता है वो एक डिप्लोमा है और जो BSc नर्सिंग रहती है वो एक डिग्री है। तो अगर मैं डिप्लोमा की बात करती हूँ तो डिप्लोमा आपका 3 ईयर का कोर्स है जिसमें आपको किसी भी टाइप की कोई डिग्री नहीं दी जाएगी। बस आप क्या रहोगे, 12th पास रहोगे और आपको डिप्लोमा में काउंट करोगे। बट अगर आप करते हो लाइक BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको डिग्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि आप जो भी डिग्री बेस जो भी आगे फॉर्म निकलते हैं आप वो फिलअप कर सकते हो। आफ्टर JNM जैसे ही आप पास आउट होते हो उसके बाद आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाके वर्क कर सकते हो एज अ नर्स, और इसमें आपका एजुकेशन में कोई भी रोल नहीं रहता। सिर्फ आप एक स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हो। इसमें सैलरी अगर आप प्राइवेट में करते हो तो 10 या 15 के से स्टार्ट रहती है। और सेम अगर मैं बात करती हूँ BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग करके भी आप लोग हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों में आपके पास ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन रहते हैं। बट JNM में सिर्फ 1 ऑप्शन रहता है, सिर्फ एज अ स्टाफ का। और BSc नर्सिंग करके दूसरा BSc नर्सिंग का ये बेनिफिट है कि आप जैसे ही पास आउट होके निकलते हो वैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, आपको किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहती है। बट आफ्टर JNM आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। लाइक जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, जैसे एम्स हो गया या फिर PGI चंडीगढ़ हो गया, इनमें आपको KMG हो गया, इसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद ही आप इनका जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो आप BSc नर्सिंग की तुरंत बाद कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। दूसरा, BSc नर्सिंग में एक बेनिफिट ये है कि आप CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट JNM करके आप CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको कोई CHO का 2 ईयर का कोर्स रहता है वो करना पड़ता है, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर रहता है, 1 ईयर का रहता है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट है जो JNM और BSc नर्सिंग दोनों को अलग अलग बताता है। दूसरा ये रहता है कि JNM अगर आप कर रहे हो तो JNM सिर्फ वो बच्चे करें जिन्हें स्टाफिंग करना आगे। बट अगर किसी को टीचिंग में जाना तो उनके लिए बेस्ट मैं एडवाइस BSc नर्सिंग ही करूँगी कि BSc नर्सिंग करें अगर आपको टीचिंग में जाना। क्योंकि अगर आप JNM करते हो तो JNM करके फिर आपको अगर टीचिंग फील्ड में जाना तो आपको फिर 2 ईयर का पोस्ट BSc करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग टीचिंग फील्ड एजुकेशन फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं फ़ीस की बात करती हूँ तो JNM की फ़ीस कम रहती है और पोस्ट BSc की ज़्यादा रहेगी। जो JNM अगर किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में करोगे तो आपको 2-3 लाख तक बैठ जाएगा। बट अगर जैसे पोस्ट अगर BSc नर्सिंग की बात करती हूँ तो 4-5 तक आपको BSc नर्सिंग बैठ जाएगा। और अगर गवर्नमेंट से करते हो, गवर्नमेंट सीट क्वालिफाई करते हो, तो गवर्नमेंट में इसकी फ़ीस बहुत कम है। यही कोई इसकी फ़ीस जो रहती है 3-4 थाउजेंड कुछ इतनी फ़ीस रहेगी इसकी। एंड JNM में क्वालिफिकेशन 12th प्लस BSc भी रहेगा, और इसमें जो BSc नर्सिंग है BSc नर्सिंग में भी 12th प्लस BSc भी रहेगा। दूसरा, दोनों में इंग्लिश कंपलसरी है क्योंकि कोर्स इसका इंग्लिश में ही रहेगा, पूरा जो इसका सिलेबस रहता है इंग्लिश में रहता है। बस जो JNM का सिलेबस रहता है वो थोड़ा कम रहता, और जो ये BSc नर्सिंग का सिलेबस रहता है वो काफ़ी डीपली पढ़ाया जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी में JNM करके आप सिर्फ स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हो। सिर्फ हॉस्पिटल में आपको JNM करके बेनिफिट मिलेगा, आप सिर्फ हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो। बट अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो BSc नर्सिंग करके आप
लाइक किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा सकते हो, टीचिंग करवा सकते हो एंड उसके बाद आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो उसके, और आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंट था जो GNM और BSc नर्सिंग को डिवाइड करता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। होप सो आपको समझ आया होगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो वीडियो हमारा कि लाइक अगर आप पास आउट होकर निकलते हो तो आगे क्या करो आफ्टर GNM या आफ्टर 12th क्या करें एंड वाई।